सलाम अरबाज आज मैं संजय पीपल आई एम एलियन एंड यू आर वाचिंग इट ऑन द फ्यूचर ब्लॉग्स। आज हम मौजूद है स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्लास, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है ओपन हाउस। अब ओपन हाउस क्या होता है आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग डिग्री के लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स आर सपोज टू मेक अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जब वो बना लेते हैं तो उसको 8th सेमेस्टर के एंड पे प्रेजेंट करते हैं। तो यस, दिस इज हैपनिंग टुडे एंड नाउ लेट्स गो एंड चेक व्हाट आवर ब्राइट स्टूडेंट्स हैव डन। Assalamualaikum. This is a quadrupedal robot. Basically a four-legged robot with 12 degrees of freedom, 3 degrees of freedom per each leg. So basically this is a legged robot. Legged robot का मकसद ये है कि places and terrains जहाँ पे aerial robots और जहाँ पे wheeled robots आप नहीं पहुँचा सकते वहाँ पे quadrupedal और legged robots काम आते हैं। So areas जहाँ पे आप humans को नहीं भेजना चाहते, hazardous areas, toxic environments, industries, power plants, oil and gas fields, वहाँ पे these robots are used to acquire data for exploration, for mapping and for surveillance purposes. So controller जो है इस टाइम इसमें PID कंट्रोल इंप्लीमेंट हुआ है एंड इट इज बिल्ट टू मिमिक ट्रॉटिंग गेट ऑफ एन एनिमल। तो ट्रॉटिंग गेट का कंट्रोल PID कंट्रोल कैस्केड सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है एंड इस टाइम इट इज एबल टू बैलेंस इटसेल्फ ऑन ऑल फोर लेग्स एंड इट इज एबल टू यूज इनवर्स काइनेमेटिक्स टू एक्वायर इट्स स्टैंड्स पोजिशन एंड इट्स स्टेपिंग मोशन ऑफ द फुट। इस बार सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे लिए काफ़ी अच्छी मोटिवेशन होगी इस वजह से। अच्छा, इसमें आपने एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज़ होगी, आपका डिज़ाइन भी ऑप्टिमाइज़ हो गया थ्रू सॉलिडवर्क्स और एनसिस के थ्रू, लेकिन अब थर्ड चीज़ थी कि इसका आपने कंट्रोल सिस्टम भी ऑप्टिमाइज़ करना था। अब कंट्रोल सिस्टम के लिए जिस तरह आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर हम पिक्सहॉक में ही मैम जायरोस्कोप इंटेग्रेट कर दें ये और ज़्यादा स्टेबल, इतना ज़्यादा स्टेबल कि ये लगेगा कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है क्योंकि वो मैम जायरोस्कोप खुद ब खुद स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो इसके लिए ताले एक्सप्लेन करेगा आगे, ये रिसर्च प्रोजेक्ट था नेस्कॉम फंडेड बेसिकली। इसके अंदर ना ये वाला पार्ट नेस्कॉम इसमें बेसिकली ये सीन होता है ना कि हमारे पास जो हम अगर ड्रोन को ऐसे ट्रेन में फ्लाई कर रहे हो ना जहाँ पे हमारे पास विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 35 की क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, तो उस केस में हमारे पास जो है वो मेम्स जो इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है वो 90-100 के हर्ट्स की ना फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, उसमें हमारे पास जो वेरिएबिलिटी है या एरर है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास ये वॉबल करके क्रैश करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बहुत सारे ड्रोन हमने इधर टेस्ट किए हैं वो क्रैश कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसकी वजह से। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमने जो मेम्स इसका अपना था उसको उठा के मॉडिफाई किया और उसको ऑप्टिमाइज़ किया फर्दर इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द एरर इन इट, ताकि हमारे पास अगर मूवमेंट हो रही हो ना उसमें भी इन द हाई स्टेबल हो ड्रोन। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वी स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर फ्रॉम SMME। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इट्स एन इंटुइटिव असिस्टिव रोबोटिक मैनिपुलेटर। हम लोग
ये कर रहे हैं इस वक्त के अपने आर्म की मूवमेंट्स और मसल डेटा इस्तेमाल करके इस रोबोट की एक्चुएशन करवा रहे हैं, जिसके पीछे कोई भी पाथ कंट्रोल एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही यूज़र अपना हाथ मूव करते हैं एट अ डिस्टेंस, ये पूरा रोबोट अपने आप को एक्चुएट करता है और कोई भी चीज़ मूव करके ग्रैब कर सकता है इंट्यूटिवली। इसकी यूज़ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि पार्शियल असिस्टेंस टू स्ट्रोक पेशेंट्स या पैराप्लीजिक्स या जिसके मस्कुलर एट्रोफी है उसके लिए, उसके अलावा टेली ऑपरेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको पूरा का पूरा इन हाउस डेवलपमेंट हम लोगों ने की है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट है। तो और वायरलेसली हम इसको एक्चुएट करें, तो वायर्स की कोई ज़रूरत नहीं है बीच में। थैंक यू। तो सर बेसिकली हमारा ये रोबोट फोटोग्राफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म है फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सर द डिफरेंट थिंग इन दिस रोबोट इज़ के हमारे जो कन्वेंशनल रोबोट्स होते हैं उसके जो एक्चुएटर्स होते हैं वो उसके जॉइंट्स में लगे हुए होते हैं, जबकि हमारे इस रोबोट में हमने क्या किया, हमने इसकी एक्चुएशन सारी की सारी बेस से कर रहे हैं और लिंकेजेस के थ्रू हम मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो मास इनर्शिया लोड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया और हमारा साइकिल टाइम हम इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड पर हमारा ये रोबोट जो है पिक एंड प्लेस ऑपरेशन कर सकता है। सो इसके एक और ख़ास बात ये कि हमने सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग SMME में की है। सबसे पहले इसकी जो प्लेट्स हैं वो हमने कास्ट की हैं एलुमिनियम स्क्रैप लेकर, हमने SMME के अंदर ही MRC के अंदर कास्ट की हैं। सेकेंडली इसका जो एंड इफेक्टर है वैक्यूम सक्शन का, वो बेसिकली हमने बाजार से प्रोक्योर नहीं किया, उसको भी हमने 3D प्रिंट करके अंदर पाकिस्तान में ही बनाया। लाइक नॉर्मली आप चाइना से 45 to 1 lakh में आप इम्पोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन हमने इसको 5000 में पाकिस्तान में बना लिया। और ये जो है अभी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं मजीद, और ये अभी तक 1 kg का पेलोड उठा सकते हैं। ओके सर, व्हाट वी हैव रियली डन इज रिप्लेस द मैनुअल डिटेक्शन ऑफ माइंस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स। सो व्हेन डिजाइनिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट द ड्रोन्स डू नॉट फ्लाई एट अ वेरी लो हाइट, सो टू काउंटर दैट वी हैव डिजाइन दिस सीजर मैकेनिज्म व्हिच कैन बी कनेक्टेड टू द ड्रोन एंड इट कैन बी लोअर्ड so that our detection mechanism, which is the metal detector right now, and can also be a thermal camera or a GPR, all of these can be lowered closer to the ground. So that was the problem and that is the solution in the simplest of terms. So this is our FIB. This is supposed to be an amphibious spherical robot. It's designed to move both on land and water, and that amphibious ability allows it to be applicable in disaster relief applications, specifically in flood applications, which is important for Pakistan because we have floods every one or two years. So this is both rechargeable and it's remote controlled, and these two camera modules that you see over here will actually give you the live feed. So it's designed in a way that the internals as well as these camera modules that are connected to the internal shaft, they remain stationary while the sphere moves. So if you basically look at it, the sphere moves but the camera modules remain stationary. So that's the whole mechanical aspect. Whereas the driving mechanism is concerned, we're actually steering it with the barycenter offset, which basically means we're changing the center of gravity, and that change in center of gravity allows our robot to tilt in one direction or the other. So basically the problem that we're solving is कि आपने इस तरह के सीरियल रोबोट्स पहले देखे होंगे। सीरियल रोबोट्स का इशू ये होता है कि उसके अगर आप एंड पे लोड डालें ना तो उस पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, प्लस इसके जो मोटर्स होती हैं दे बेयर द लोड ऑफ अदर मोटर्स एज वेल। इन इशूज़ को टैकल करने के लिए हमने ये पैरेलल रोबोट डिज़ाइन किया है। इसका फ़ायदा ये है कि इसका एंड इफेक्टर इज़ वे मोर स्टिफ। इसको मूव करने के लिए आपको बाकी 3 एक्चुएटर्स को मूव करना होगा, और प्लस दिस इज़ अ 5 degrees ऑफ फ्रीडम रोबोट, मतलब इसकी निब भी टर्न कर सकती है और ये फुल 3 degrees ऑफ फ्रीडम में भी मूव कर सकता है। तो इस द आइडिया वॉज टू बिल्ड अ फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। अब कोई हमें आगे कहता है कि वी नीड टू डू वेल्डिंग विच इज़ द 5 degrees ऑफ फ्रीडम प्रोसेस, तो हम वी कैन अडेप्ट दिस एंड इफेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग। सिमिलरली वी कैन डू मशीनिंग एज वेल। सो दिस वॉज इट। अगर बेसिक पार्ट्स देखने हैं तो दिस इज द मोटर, मोटर ड्राइवर्स ये लगे हुए हैं, ये पिच मोटर के लिए, वो आगे वाला दूसरा ब्लू कलर का है वो यो मोटर के लिए है, ये गियर बॉक्सेज हैं अंदर, आर्डिनोज पड़ेंगे 2 फॉर ईच, एक हर एक के लिए एक एक आर्डिनो लगा हुआ हो जाए उस बॉक्स। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई विल बी ओपन टू एनी क्वेश्चन अगर आप होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने किस तरह इतना बड़ा रेसिप्रोकेटिंग लोड वाइब्रेशंस के बगैर बैलेंस करना है, बिकॉज हमारा गोल ये था कि 12 kg के और का रेसिप्रोकेटिंग लोड आपने करना। अब क्या होता है उस केस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमने इसको किस तरह बैलेंस आउट करना। उसके लिए हमने बहुत पावरफुल मोटर रखा। अब मैं ये बता रहा हूँ 12 kg का रेसिप्रोकेटिंग लोड, स्टैटिक लोड है वो इससे ज़्यादा ही हैंडल कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग लोड का ये मतलब है कि वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है 1200 RPMs पे।
अस्सलामुअलैकुम। बेसिकली ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है, इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो होती है कि हाईवे पे मेनली इंस्टॉल होती है, ये डिफरेंट साइड से जो है ना व्हीकल्स आ रही होती है तो इतनी ये विंड स्पीड क्रिएट कर देती है कि ये ऑपरेशन हो जाए ना। दूसरा ये कि इसकी जो भी पावर कैपेसिटी है वो 88 वॉट है और इसकी जो आरपीएम है वो 45 आरपीएम है, ठीक है। और ये डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ ब्लेड से बनाई हुई है, एक आउटर ब्लेड जैसे डेरियस टाइप कहते हैं वो हाई विंड स्पीड पे ऑपरेशन होती है, जो इनर ब्लेड्स हैं वो सेवनियस हैं। और तो दोनों टाइप्स ऑफ ब्लेड्स को कंबाइन करके डिफरेंट रेंज ऑफ विंड पे जो है वो ऑपरेशन है। Okay, so what we did here was we made a CMM, which stands for a coordinate measuring machine. So what it does is it is basically a quality assurance machine. It is used for quality assurance. There is a huge gap in the Pakistani market where the parts that we manufacture, we cannot export them because they do not meet the standards that are set by the international market. So what we do is we measure the parts that are manufactured there. We can measure their every feature, and we can ensure that we check that the parts stay within the defined tolerances. That is how we aim to ensure that there is quality manufacturing in Pakistan. Assalamu alaikum. This is the design and development of an internal pipeline inspection robot. The basic principle was that a lot of the pipeline system is aging and there's a lot of issues that are becoming inside, such as cracks, corrosion, pitting and all these issues. Now what we have developed is a platform that can circumnavigate pipes, bends, vertical pipelines, horizontal pipelines, and it can also adjust according to the diameter of the pipes. The mechanism itself can host sensors, it can host cameras, it can also host a sensor such as the LiDAR sensor. This is useful for mapping. Furthermore, the system is modular in nature. You can add a lot of other stuff to it, and integrating civil engineering and AI or machine learning, this model can also work autonomously. Our project is basically a solar powered grass cutter that is capable of cutting the grass using the solar energy. Basically, the main problem in our life is that the traditional grass cutter uses the IC engine that produces carbon emission, and also you consume the fuel as much you can see. So the solution was to introduce an eco-friendly, a cost-effective, and that requires less human effort. Our prototype can easily operate using a mobile phone, so it is requiring the less human effort. So we are only the group in the Pakistan that is providing all the features under the one roof under 60,000 rupees. Thank you so much. This is a solar geyser. It's different from a traditional one because it requires less time to heat the same amount of water to same temperature. By increasing the heat which it's collecting from the sun by using these Fresnel lens and these straws in that evacuated tubes. Our project is indigenized coordinate measuring machine. Coordinate measuring machine ka kaam ye hota hai ki industry mein koi bhi part banta hai to unhone ye check karna hota hai ki ye within required micron ki accuracy mein manufacture hua hai ki nahi. For example, certain micron ki tolerance mein ye iska dia hai, flatness hai aur bhi koi required parameters. तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि CMM जो होती है अराउंड 20-30 लाख होती है और ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए. हमने एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया यूजिंग वन ईयर कैलिपर्स. हमने एक CMM बनाई है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एक्यूरेट भी है. हमारी मशीन की एक्यूरेसी अराउंड 30-20 माइक्रॉन्स है और इसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज़ है. सो वट वी आर डूइंग इज वी हैव डिवाइस अ प्रॉपर हीट एक्सचेंज एनहांसमेंट रिंग. हम करते क्या हैं कि हमने इंसर्ट की ट्रे को मैन्युफैक्चर करके, ये हमारी ट्रे है, इसको हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर अपने ट्यूब के अंदर एंड वी इनहांस द हीट ट्रांसफर. व्हाट वी डू इज आर स्टडी पैरामीटर्स आर रेनॉल्ड्स नंबर, नसल नंबर. व्हाट वी डू इज जब हम अपने इंसर्ट्स को लगाते हैं वी आर मेजरिंग टेम्परेचर्स फ्रॉम द इनसाइड इनलेट एंड द एग्जिट टेम्परेचर और हम इसे अपना डेल्टा टी मेजर करते हैं जो कि हमारे इंसर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है. हमने 2.4% थर्मल एनहांसमेंट फैक्टर इंक्रीज़ किया विद दो सर्कुलर इंसर्ट्स एंड वी आर इंशाल्लाह गोइंग फॉर अ रिसर्च पेपर ऑन इट. थैंक यू सो मच. सो आवर प्रोजेक्ट इज द टर्बोचार्जर बेस्ड थ्रस्ट जनरेटिंग डिवाइस. दैट मीन्स वी आर यूजिंग द टर्बोचार्जर दैट इज यूज इन कार टू मिमिक द प्रोसेसेस ऑफ अ जेट इंजन. सो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड द टर्बोचार्जर इन टू द जेट इंजन. सो देयर आर ऑल ऑफ द प्रोसेसेस दैट आर बींग फॉलोड आर ऑफ द ब्रेटन साइकिल. There is compression, there is burning, expansion, and which drives the turbine. Turbine and compressor are coupled to each other, and we are generating thrust as well. Our thrust is about 40 newton, and it can be used as a test bench as well as in small scale aircrafts. Basically, this is a submarine which works like a glider. It uses the vertical and down vertical motion of a glider while inducing or rejecting water to
produce forward thrust. It has aerofoils in it, which use the vertical motion of the glider itself to produce thrust using the lift of these aerofoils. Basically, इसमें हम पानी को अंदर और बाहर मूव करवाते हैं. जब पानी को अंदर मूव करवाते हैं तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है और ये डाउनवर्ड मोशन में जाता है. जब नीचे को आता है तो एरोफॉइल्स की वजह से ये आगे को उसको थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, इसकी एक ओवरऑल सॉटूथ प्रोफाइल बनती है. इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें क्योंकि हमने प्रोपेलर यूज़ नहीं किए हुए तो इसकी नॉइज़ बहुत कम होती है. तो इसका यूज़ केस ये है कि इसको हम डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी नॉइज़ बहुत कम होती है. तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली एक्चुअल सबमरीन भेजने से पहले सी बेड और ओशनिक करंट्स वगैरह की प्रोफाइलिंग के लिए. तो उसका फ़ायदा ये है क्योंकि इसकी नॉइज़ कम है तो ये एनिमीज सोनार और डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट नहीं होता और इससे हम बेसिकली लॉन्ग रेंज सर्विस वगैरह कर सकते हैं. इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है इन कम्पेरिजन विद अदर सबमरीन ट्रेडिशनल सबमरीन. तो इसको हम बहुत ज़्यादा देर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. टर्बो चार्जर बेस्ड ब्रिटन साइकिल. So all the power generation industries are basically on the basis of a gas turbine which is working on the Britten cycle. Britten cycle has basic three components: compressor, combustion chamber and turbine. The compressor pushes the air into the combustion chamber where it mixes with the fuel. It burns and produces a high pressure flame which goes into the turbine. Then turbine is mounted with the shaft of the compressor which drives the compressor and the cycles complete itself. As you can see, why are we producing this as gas turbine is already been produced, but the fact is that it is very locally manufactured, it is very cost effective, and the emissions out of the micro gas turbine are very less as comparable to the gas turbines. This is a project we have designed using thermoelectric concept. हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही थी कि इन मार्केट देयर इज नो सच स्लीपिंग बैग अवेलेबल जिसकी हीटिंग एंड कूलिंग फीचर्स दोनों चीज़ें हों. मार्केट में जो भी स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल थे वो वही थे जो कि आप हीटिंग फीचर के साथ जाते हो. लेकिन इसमें हमने सोचा कि हम ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें ये दोनों चीज़ें हों, और इस सिस्टम को काम करने के लिए हमने थर्मोइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए. थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर्स बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं. इन डिवाइसेस का काम ये होता है कि जब आप उनको इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट एंड कोल्ड साइड दोनों क्रिएट करते हैं, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं. यू हैव टू जस्ट डिसिपेट हीट फ्रॉम हॉट साइड एंड कूल्ड साइड के थ्रू आप जो है वो एयर सर्कुलेट करवा के उसमें आप एयर का टेम्परेचर ड्राउन कर देते हो जो कि आप रिक्वायर्ड है. हमारे टारगेट ये है कि ASHRAE 55 के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जाएँ और इस सिस्टम को कंपेटेबल करें फॉर हॉट एम्बिएंट कंडीशंस एज वेल एज कोल्ड एम्बिएंट कंडीशंस. यहाँ पर कंप्रेसर, कंडेंसर और एवापोरेटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा. यहाँ पर सिर्फ एयर कूल्ड सिस्टम यूज़ हो रहा है जो कि थर्मोइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज वी हैव मेड एन एक्सोस्केलेटन एंड सिस्टम डिवाइस फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी पेशेंट्स. पार्शियल डिसेबिलिटी पेशेंट्स में वो आते हैं जो दैट बेसिकली कैन नॉट एक्चुएट और यूज देयर लिम्स. दे कैन मूव देयर लिम्स बट इतनी फोर्स नहीं होती, इतनी पावर नहीं है कि दे कैन एक्चुअली यूज इट फॉर एवरीडे टास्क. इसमें दो किस्म के केसेस होते हैं, टेम्प्रेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है. टेम्प्रेरी केसेस में आप रिहैबिलिटेशन में जाते हो, आपको एक्सरसाइज कराते हैं तो आपकी न्यूरॉन सिग्नल्स जो हैं वो रिफायर होते रहते हैं एंड इवेंचुअली आपका जो वीकनेस हुई थी वो ओवरकम हो जाती है. इन सिंपल वर्ड्स हमने ये कहा कि जब लोग रिहैबिलिटेशन में जा रहे हैं उस सारे फेज में असिस्टिव डिवाइस नहीं है. आपको यू नीड टू डिपेंड ऑन लॉट ऑफ पीपल टू डू योर एवरीडे टास्क. देर आर एक्सोस्केलेटन्स फॉर दिस दैट असिस्टिव एक्सोस्केलेटन्स एक्टिव सिग्नल्स पे जो चलते हैं. हाउएवर उनका इशू क्या है, दीज थिंग्स आर बल्की. इफ यू कैन लुक एट दिस, दिस इज़ अ वेरी बल्की किस्म की एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लॉई है. सिंप्लीफाइड भी कर लो अगर आपको हैंड मॉड्यूल सिंप्लीफाई भी हो ना उसके बाद या तो न्यूमेटिक हो गया, बड़े एक्चुएटर्स पावर्स होंगे जो आपको बैक पे कैरी करते हैं. Assalamu alaikum. This is the project called wheel balancing machine for the local market. So basically हम लोगों ने हमारी पाकिस्तान की जो local market है उसमें जो wheel balancing का जो scene है उसमें हमने dive in किया deep, और मतलब हमने अपने survey किया कि wheel balancing machine में locally लोगों को क्या मसले आ रहे हैं. तो we came to the conclusion के major तीन मसले हैं लोगों के जो उन्होंने हमें describe किए. सबसे पहले ये कि उसकी cost जो है वो around 2,000 to 3,000 dollars की उनको cost पड़ती है, जो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है और वो इंपोर्ट की वजह से और ज़्यादा हो जाती है. तो सबसे पहला मसला हमारा था कॉस्ट का. सेकंड मसला हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि ये जो मशीन चाइना से इंपोर्ट होती है इसमें सिर्फ सिंगल एक मदरबोर्ड होता है. तो वो सिंगल मदरबोर्ड में खुदा ना खास्ता कोई एक रजिस्टर या कैपेसिटर भी अगर उड़ी है तो वो आपको पूरा सर्किट रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि अराउंड 60,000 to 70,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है. तो ये दूसरा मसला था. और थर्ड इसमें हम लोगों ने जो देखा कि उन लोगों के पास जो प्रॉब्लम फेस होता था वो ये कहते हैं कि जो
डिस्प्ले है ना पैनल उनका, वो है उनका कंप्यूटर बेस्ड. तो उसमें जो होते हैं वो फिज़िकल बटन्स होते हैं. वो फिज़िकल बटन्स का मसला ये होता है कि वो दो साल बाद ना वो फिज़िकल बटन जो होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं. तो हमने उसको भी रिप्लेस करना था. तो इसके लिए हम लोगों ने अब आपको अपना फाइनल जो बताते हैं, जो हमने फाइनल इसकी प्रोटोटाइप डेमोंस्ट्रेशन की है. तो बेसिकली हमारे पास जो कॉस्ट इसकी बन रही है, जो सबसे पहला मसला था कॉस्ट का, वो कॉस्ट का इशू हमने इस तरह रिजॉल्व किया है कि हमारी अभी फ़िलहाल जो मैन्युफैक्चर्ड मशीन है ये अराउंड हमें 150,000 रुपीज़ में मिल रही है. ठीक है, जो 2,000-3,000 डॉलर्स की चीज़ बनती थी वो आपके सामने आज 150,000 रुपीज़ में. सेकेंडली जो हमारे पास मसला आ रहा था कि सर्किट बोर्ड जो था वो मदरबोर्ड एक सिंगल होता था, हमने उस सिंगल को रिप्लेस करके हमने हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को फिक्स कर दिया इसके अंदर, ताकि मॉड्युलैरिटी आ जाए. और मॉड्युलैरिटी का मतलब ये कि मतलब हर कंपोनेंट इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं. अगर खुदा ना खास्ता कोई एक कंपोनेंट डैमेज हो जाए तो आप उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर दें स्पेसिफिकली, और उसकी जगह उसका आपका सर्किट फिर भी चल जाएगा. और थर्डली फाइनली जो हमारा इसका मेन सेलिंग पॉइंट है मशीन का, वो इसकी मोबाइल ऐप है. मोबाइल एप्लीकेशन इसकी इस तरह से है कि आपने अपना सिर्फ मोबाइल से लॉन्च करना है एपीके. आपने मोबाइल फ़ोन से एपीके आपके पास होना चाहिए, ये मोबाइल के अंदर आपने मोबाइल से एपीके लॉन्च किया, यहाँ से स्टार्ट वाला बटन आ गया. यहाँ से आपने स्टार्ट किया इसको, आपने अपनी डिवाइस सेलेक्ट की, जो यहाँ पे HC05 आएगी, लेकिन अभी वो कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो शो नहीं होगी. तो आप इसको कनेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस द बटन विच इज़ कॉल्ड स्टार्ट व्हील. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसको तो आपका जो टायर है वो बैलेंस मतलब रोटेट करना शुरू हो जाएगा, और जो डेटा एक्विजिशन है सारी वो उसको प्रोसेस करके जो वेट्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेगा, और वो वापस आर्डिनो में भेजेगा जहाँ से आगे HC05 में वापस डेटा ट्रांसफ़र होगा, और आपके पास मोबाइल फ़ोन में जो बैलेंस्ड वेट है वो आ जाएगा. और इसी तरह आपका जो डिग्री एंगल ऑफ डिग्री है जिसमें आपने वेट को प्लेस करना है, वो सारा का सारा आपके पास मोबाइल में ही डिस्प्ले होगा. अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है पोर्टेबल कोल्ड रूम विद सोलर एंड बैटरी बैकअप. इसकी जो एप्लीकेशन है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ट्रांसपोर्टेशन में है. जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फार्म्स पर हार्वेस्ट हो जाते हैं तो वो गर्मी में पड़े होते हैं, और जब वो ट्रक्स और वैगन्स में शहर तक आते हैं तो उनमें कोई 30-40% जो है स्पॉयल हो चुके होते हैं. इस स्पॉयलेज को रिड्यूस करने के लिए हमने ये यूनिट बनाया है. ये इसका जो साइज़ है ये एक सुजुकी कैरी डब्बे जितना है, और इसको जब हम कैरी डब्बे पर रखेंगे और इसके अंदर फार्म से फ्रेश हार्वेस्टेड प्रोड्यूस डालेंगे, जब तक वो शहर तक पहुँचेगी तो वो कम्प्लीटली वो रहेगी, फ्रेश रहेगी, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी. ये जो है ये एक बेसिकली एक सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर वर्क करता है. इसके ऊपर 3 सोलर पैनल्स हैं. ये सोलर पैनल्स जो हैं इनकी इंक्लिनेशन हम खुद सेट कर सकते हैं, जिस तरफ भी हमारे पास सनलाइट होगी हम इनको उस तरफ इनका एंगल चेंज कर देंगे. तो ये एट ऑल टाइम्स इस पे एटलीस्ट 2 सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो हमारी सनलाइट इंसिडेंट होगी. अब हम इसका जो रेयर इक्विपमेंट कैबिनेट है वो विज़िट करते हैं. इसके जो पीछे इक्विपमेंट कैबिनेट है इसमें हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. ये जो है ये कंडेंसर्स हैं, जैसे कि हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं उनमें होते हैं. इन कंडेंसर्स के पीछे एक बड़ा फ़ैन भी लगा हुआ है चारों के पीछे. वो फ़ैन जो है हमारी कूलिंग को मज़ीद एक्सेलरेट कर रहा है और ये ज़्यादा कूल हो रहा है. आफ्टर दैट हमारे पास ये 2 बैटरीज पड़ी हुई हैं. दीज बैटरीज़ प्रोवाइड बैकअप व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट. तो दीज आर बेसिकली आर पावर सोर्स ड्यूरिंग द नाइट और इफ़ देयर इज़ अ रेनी डे. तो इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद एंड यू आर ऑर्डरिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्राम एनी वेयर, तो जब वो आपके पास आ रहा होगा एंड इट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, तो यू कैन मॉनिटर द टेम्परेचर वैल्यूज़ एट ऑल टाइम्स एंड सी हाउ फ्रेश योर प्रोड्यूस इज व्हेन इट अराइव्स. वेरी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू जॉइन हैंड्स एंड मेक दिस इवेंट अ वेरी सक्सेस. I can tell you that your department has prepared you well. No matter which career path you pursue, you are very well prepared, right? Some of you guys will go and do masters in maybe engineering. Some of you will maybe doing a little bit of a switch up and doing maybe MBAs or starting your own, you know, businesses, or maybe go developing your problems. Our technical evaluators and judges spend a lot of time judging your work. And we are very excited to announce the second runner-up prize of 20,000 rupees goes to portable solar refrigeration unit with backup battery. The project was supervised by Dr. Sayyed Hussain Imran Jafri, and the team members are Malik Huzaifa, Laiba Yunus, Duba Rashid, Haris Shariar, and
the winner of ₹50,000 for this open house, the prize goes to 4 Degree of Freedom robotic arm. Professor Dr. Yasir Ayaz, team members Hamza Hussain, Mohammed Harris, Mohammed Saad bin Asif, Osama Jarrah, and Heather. Congratulations.